हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले उतार लीजिए और आप लोगों की चीज देखा मैं बता देता हूँ। इंटर लेक्ट फीट फिल फाइट फाइंड फिल प्लाई एंड फॉरबिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आप सबों को मालूम होगा। या इसकी भी एक क्लास दे दूंगा मैं। अभी जहां तक है वहां तक उतार लो। चलो उतार लिया होगा। मानो ये वर्ल्ड है या एक बॉक्स है, जो कुछ मानो इसमें, ठीक है। अगर ये ग्राफ वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट क्या आया? नाउन आया, फर्स्ट नाउन आया। ये आने के बाद ही डिसाइड हुआ कि अब इनको, इनके महत्व को बताएं, इनके गुण को बताएं, तो एडजेक्टिव हुए, ठीक है। और ये बताने के बाद जब इनकी कार्य को बताया, तो कार्य को बताने के बाद हम एडवर्ब यूज किए। अगले क्लास में देखेंगे, मैं बताऊंगा पार्ट पर पे स्पीच। ठीक है, अगले में चलेंगे। ये हल्के हिंट्स ले लो, जिस किसी ने पूछा है वो गौर से देखेंगे। ओके, अगर मानो ये एक पेज में इसी तरह वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं कितना लिखा, मानो 10 होंगे,
सपोज आपके पेज में 100 वर्ड हैं और हमें क्या करना है, बोलना है। बोलने के पहले कंपोज करना है। कंपोज मींस सजाना है। कैसे सजाएंगे, जैसे सेम लुइस में कैसे सजेंगे, पता चलता है कि नहीं को? नहीं, जिस किसी ने पूछा है वो गौर से देखेंगे। नाउन में सबसे पहले दिस इज काउ, दिस इज अ सॉरी बॉय को लो। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गुड बॉय, दिस इज अ वेरी गुड बॉय। गौर करोगे बॉय कितने हैं, वन है, मीन्स यही हुए सिंगुलर। हम लोग सिंगुलर प्लुरल जानते हैं ना, ये सिंगुलर है, बॉय हमारे, ये हमारे एक हैं। तो हमने क्या यूज किया, दिस को, नजदीक में दिस और दूर में दैट, ये याद है। अब ये दिस प्रोनाउन है, ये इज वर्ब मानो या फिर हेल्पिंग वर्ब मानो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब मानो, है ना, तीनों ये हैं। अब इसमें आओ, ये हमारे प्रोनाउन, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे आर्टिकल और ये हमारे नाउन। उसी तरह ये हमारे प्रोनाउन, ये हमारे वर्ब, ये हमारे आर्टिकल और ये एडजेक्टिव और ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये आर्टिकल और ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव एंड ये नाउन। सेम चीज है ग्राफ की चीज का। जिस किसी ने पूछा है वो ज्यादा समझेंगे। फर्स्ट में किया दिस इज बॉय, कुछ नहीं लगाया। फर्स्ट में उसी तरह से ना हमारे, सबसे पहले हमारा कहने का मतलब है कि संसार में सबसे पहले नाम आया, नाम के बाद ही काम आया, है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। तो उसी तरह ये चीज है सेम, सबसे पहले देख लो नाम आ गया। अब नाम को बताने के लिए मीन संकेत करने के लिए हमने यूज क्या किया, ये प्रोनाउन को लिया।
एक लिया दिस को और दूसरा लिया दैट को। ये नजदीक हैं, ये दूर हैं। अब इसी के ये प्लुरल हो गए दीज, और दैट के दोज। ठीक है, ये हो गए। तो हमने यह लिया दिस, दिस इज बॉय हो गए। अब सेकंड में जब हम लोग और भी आगे बढ़े, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब पाते हैं कि ये हमारे गलत हैं। तब हमने क्या यूज किया, एक्स्ट्रा आर्टिकल को यूज किया। ठीक है, आर्टिकल को यूज किया। आर्टिकल को करने के बाद फिर एडजेक्टिव को यूज किया, नाउन की अब विशेषता को बताया, गुण को बताया कि ये अच्छे हैं, है ना, गुण को बताया। तो गुण बता दिया मैं। अब गुण के बाद ये एडवर्ब है, ये हमारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आते हैं वो एडवर्ब है। वो अब देखोगे तब समझोगे। उसी तरह ये हमारे दिस इज अ वेरी गुड बॉय है ना। आर्टिकल यूज हम लोग करते हैं नाउन के पहले। यहां आर्टिकल यूज होता है। तो हमने यहां क्यों नहीं किया, ये नाउन है, नाउन के पहले यहां क्यों नहीं किया, है ना। यहाँ बॉय है, बॉय के पहले यहाँ क्यों नहीं किया। तो ऐसे नहीं होते हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल को यूज करना है, और अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के पहले यूज करना है आर्टिकल। आर्टिकल हमारे सिर्फ दो हैं, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट, है ना। आर्टिकल की एक क्लास और लूंगा मैं। मीन्स हल्का दिया था, आज भी मैं हल्का दे रहा हूं। जिस किसी ने पूछा है वो आप समझ गए होंगे। वो मुझे कहे थे कि तोड़कर बताने को, मैं तोड़कर बता दिया, उन्हीं का सेंटेंस लिया मैं, है ना। सबसे पहले याद रखोगे कि हमारे संसार में आज जो भी विद्वान हैं, जो भी हैं, वो फर्स्ट स्टेप में वो जीरो थे। ये थे जीरो, फर्स्ट स्टेप में। एंड सेकंड स्टेप में उन्होंने ट्राई किया, सेकंड में ट्राई किया, थर्ड में वो बोले, है ना। तो उसी तरह ये है, ग्राफ की चीज है, आप उसे उतार लो, कॉपी में लिख लो। अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो बनाओगे और मेरे से पूछोगे, मैं बताऊंगा। ओके, बाय।